हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना, ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ने अभी तक जितने हमने लेक्चर करे हैं उनमें से बहुत सारे लेक्चरों को आपने रिविज़न कर लिया होगा, और कल का जो हमारा आपका चैप्टर था उस चैप्टर को भी आप लोगों ने घर जाकर बहुत अच्छे से रिविज़न करा होगा। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट बनता है, कोई भी कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट बनता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो देखिए मीडियम जो है आपके पास खुले हैं। आप अपने डाउट को, अपनी क्वेरी को बेधड़क बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलो हम चलते हैं ये पुस्तक को अंतिम रूप देने के लिए, क्योंकि हमारे अतीत जो पुस्तक है वो आपकी समाप्त हो जाएगी और हम चलेंगे सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। पौराणिक कहानियों का संकलन का संरक्षण। अब देखिए चैप्टर हम लोग देख रहे थे, एक बार फिर देख लीजिए चैप्टर को। देखिए इमारतें, चित्र तथा किताबें क्या बताती हैं इसके विषय में हम लोग देख रहे थे। हम जो इमारतों से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन कर चुके हैं, चित्रात्मक शैली को देख चुके हैं। आज हम जो इसमें बात करने वाले हैं, विशेष रूप से हम लोगों ने पुस्तक का भी जो बात थी वो हमने कल आपकी प्रारंभ कर दी थी, और हम इसको देखते हैं और इससे आगे थोड़ा इन सब चीजों को आपका देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानी है। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार का, सृष्टि और राजाओं के बारे में कहानियां हैं। अधिकतर गुण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्री तथा शूद्र, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिससे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। कौन कौन से दो आपके महाकाव्य हैं? रामायण और महाभारत। तुम में से भी कुछ बच्चों की इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी इसी उद्देश्य के कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज भी हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों में ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलन किया था। चाहे पुराणों में बहुत सारी चीजें हों या आपको महाभारत, तो जो व्यास नाम के ऋषि हैं उन्होंने इन सब चीजों को आपका संकलित किया था। महाभारत में ही श्रीमद् भगवद गीता है जिसके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में, कहाँ के राजा थे वो? कौशल जनपद के राजा थे। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता जी का लंका के रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस करने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौट गए। महाभारत की तरह ही रामायण एक प्राचीन कहानी है। इसके बाद में लिखी रूप आपका दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेख वाल्मीकि जानते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इसके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। पता करो कि तुम्हारे राज्य में कौन सा रूप प्रचलित है। क्या है कि कौन सा रूप आपका प्रचलित है? आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, कह रहे जो आम लोग हैं उनके द्वारा कही जाने वाली कहानियों को थोड़ा सा एक बार हम लोग आपका देख लेते हैं। क्या है जो आम लोग जो आपका उनके विषय में आपकी कहानी कहते हैं या कहानी जानते हैं, इसको हम लोग आपका देख लेते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीत की रचना करते थे, गाते गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो समय के आसपास जातक तथा पंचतंत्र की कहानी के रूप में
सुरक्षित कर लिया। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्र में दर्शाई गई हैं। इनमें से एक कहानियां अगले पृष्ठ पर दी गई है। देखिए, बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे इतने 80,000 अनुयाय के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास पेड़ पर फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत आम बड़े मीठे होते थे। इनका स्वाद आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला, उसने चखा तो वह हैरान पड़ गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, क्या वे आम इस पेड़ को ढूंढ सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं राजा, यह हिमालय के पहाड़ से लेकर आया है। वह पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उन्होंने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और एक छोर से दूसरे छोर तक पकड़े रहे। अतः उसकी सारी प्रजा नदी को पार ना कर लिया। इस प्रयास तक इतना थक गया कि मरण सन्नन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर को बचाने की कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु के शोक पर राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्यमय भारत में भूरत में एक स्तूप मिलता है, पत्थर पर उसके चित्र का असर दिया गया है। कह रहे मध्य भारत में भूरत में एक चित्र स्तूप है जो मिलता है, इस तरह के उनने राजा को समर्पित किया है। ये देखिए, ये रहा वो स्तूप, ध्यान दीजिए, देख लिया आपने? तो इस तरह का राजा ने उसको बनाया। देखिए, एक राजा के लिए अपनी प्रजा सबसे ऊपर होती है। देखिए इसको एक बार देख लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टनम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी के चक्कर काटने की वजह से होते हैं। क्या होता है? दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह। जब लगता है कि रोज सूर्य निकलेगा और डूबेगा, उन्हें ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्ति को परिविद में मापने का ढूंढ निकाला जो उन्हें उतना ही सही है। जिन भी आज प्रयुक्त में होने वाली विधि बहामार, ब्रह्मीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की, जिसके बारे में तुम पता लगाइए। अब देखिए, शून्य अंक का प्रयोग। सबसे पहले भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह आविष्कार किया था। गिनती की आपत्ति अरबों द्वारा अपनाई गई थी और तब यूरोप में फैली। आज पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। रोमन के निवासी शून्य के बारे में प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विस्तृत पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध आपके चिकित्सक थे। पहले थे आपके चरक जो प्रथम और आपके द्वितीय शताब्दी में थे। दूसरे थे आपके सुश्रुत, ये थे चौथी शताब्दी में। चरक द्वारा चरक संहिता औषधालय शास्त्र का उल्लेख है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुतालय में चिकित्सा की विधियों का उन्होंने आपका वर्णन किया है। तो देखिए, इन वर्णन को देखना है। चैप्टर जो है आपका सारा समाप्त हो चुका है। तो ये जो पुस्तक है बच्चों, ये आपकी समाप्त हो चुकी है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा एक बार पीछे देख लीजिए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई चीज समझ नहीं आती तो बताइए, फिर हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। कोई भी बच्चा अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछिए बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित।
देख लिया बच्चों। तो इसमें अगर चैप्टर में कुछ भी पूछना है बच्चों, क्योंकि ये इस बुक का अंतिम चैप्टर है, अगर आप लोगों ने रिवीजन करा हो घर से तो आप मुझे जरूर पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि देखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई चीज आपको आई है कि नहीं आई है, ये मुझे बताइए आप। चलिए, किसी को डाउट? तो अगर आपको कोई डाउट नहीं, तो हम लोग आपको बढ़ चले प्रश्न उत्तर की तरफ। थोड़ा ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्तूप क्या है। तो स्तूप होता है आपका टीला। इसको देखिए, मैच करिए। स्तूप क्या है आपका? टीला है। शिखर क्या है? शिखर क्या है? गर्भगृह के ऊपर लंबाई के में निर्माण, उसको बोलते हैं शिखर। मंडप क्या है? मंडप है मंदिर के, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह है, मंडप बोलते हैं उसको। गर्भगृह कहाँ है बच्चों? तो गर्भगृह वो होती है जहां देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना करने की जगह है। प्रदक्षिण पथ क्या होता है? स्तूप के चारों ओर व्रत पथ जो है उसको बोलते हैं। आप इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए इसको जल्दी से, एक मिनट का समय है आपके पास। मिलान करते हुए सामने जोड़े बनाकर लिखिए इसको। देख रहे हैं बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इन सभी विषयों पर, इन सारी चीजों पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, देख लिया, सारे गणितज्ञों के विषय में हमने पढ़ लिया, आर्यभट्ट के विषय में हम लोगों ने आपका देख लिया। आइए एक बार आपका द्वारा देख लेते हैं कि स्तूप क्या होते हैं? आपके टीले। शिखर क्या है? गर्भगृह के ऊपर जो आपका विमान सा, जो आपका ऊंचाई की जो हाइट सी बनती है उसको बोलते हैं, ठीक है, शिखर। मंडप कहाँ, किसे बोलते हैं? जो मंदिर के अंदर जहां लोग बैठ सके, इकट्ठा हो सके, हम क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं मंडप। गर्भगृह क्या होता है? जहां देवी देवताओं की आपका मूर्ति स्थापित होती है, उस जगह को बोलते हैं आपका बच्चों गर्भगृह। दूसरा ध्यान रखिए, दूसरा है प्रादक्षिण पथ, यानी कि स्तूप के चारों ओर तरफ जो वृत्ताकार पथ या रास्ता होता है उसको बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो, सब हमने पढ़ा है, क्योंकि चैप्टर में वही सारी चीजें होती हैं जिनका हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जिनका हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं, वही सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है, इन सब चीजों के विषय में आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए, इनको बताइए, इनको ध्यान दीजिए, इनको आपको याद रखना है। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक बार पूरे इसको देख लेते हैं। एक बड़े गणितज्ञ थे। कौन थे एक बड़े गणितज्ञ? तो अभी हमने पढ़ा था, बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। तो बच्चों किस में मिलती हैं? ये भी अभी देखा था आज ही के लेक्चर में। तो कहां मिलती हैं? पुराणों में। वाल्मीकि को क्या है? संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। किसे? वाल्मीकि। कौन थे वाल्मीकि? रत्नाकर वाल्मीकि। बताइए उनके विषय में। जब आप रत्नाकर वाल्मीकि के विषय में पढ़ेंगे तो मुझे बताइए। शिल्पादिकरम और मणि मेखलई दो क्या हैं? तमिल महाकाव्य हैं। ये ध्यान रखना। क्या है? दो तमिल महाकाव्य। चलिए, अब मुझे अभी एक छोटा सा आप एक काम करिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अभी जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे, ये रहा एक कहानी शिल्पादिकरम, जो आपका महाकाव्य पढ़ रहे थे। क्या है? दो तमिल महाकाव्य, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों को देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ मैं आपको लिखा रहा हूं आपकी परीक्षा, आपकी बुक से बाहर है। देखिए,
जल्दी बताइए बच्चों, पढ़िए इसके विषय में, 30 सेकंड का समय है। देख लिया आप लोगों ने, पढ़ा इसको अच्छे से? देखिए इसी तरह आप सारी चीजों को एक एक कर आप लोग देखते रहिए, सारे विषय का प्रॉपर रिवीजन करिए। देखिए ये जो आपकी पुस्तक थी पूरी समाप्त हो गई, एक एक चैप्टर को और सारे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों को मैंने आपको कराया है, और आपको बस क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे चैप्टरों को एक नंबर से लेके और लास्ट तक आपको उनका बहुत अच्छे से आपका रिवीजन करना, ताकि कोई भी डाउट, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी, कोई भी शंका आपके मन में ना रहे, रहती है तो देखिए सारे मीडियम, सारे माध्यम जो है आप पे खुले हैं, आप उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं। छोटा सा अम्मा और है, ये देखिएगा, ये देखिए इन मंदिरों को ध्यान से देखिए, के विषय में बताइए ये दोनों मंदिर किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। और देखिए जो कानपुर का भीतर गांव का मंदिर है, ऐसा माना जाता है ये कानपुर के भीतर गांव का मंदिर भारत के पहले मंदिर का साक्ष्य देता है, एविडेंस, ये समझिए आप, ठीक है? चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपने अपनी कक्षाओं को बहुत महत्वपूर्ण से पढ़ा और बहुत ही उत्साह के साथ आपने इन चैप्टर में अपना पार्टिसिपेट किया, आप लोग अपने भाग की भाग लिया इसमें, और देखिए ये उसका रिजल्ट है कि हमारा अतीत जो हमारी फर्स्ट है पुस्तक है वो पूरी समाप्त हो चुकी है। आज आप उसका रिविजन करिए, या फिर हम लोग जो हमारी परीक्षाएं आएंगी हम उस समय इसका रिविजन करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, प्रॉपर तरीके से रिविजन करते रहिए। कोई भी डाउट कमेंट बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।